कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स के जगह पर हम लोग उसका वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा है। इसीलिए यहाँ पे टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। पहले देख लो कैसे इसको लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन सॉरी ए इज डिनोटेड बाय पी ए। जैसे उदाहरण ले लो, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स है 2x+5। हम अगर ये चाहें कि इसमें हम x का वैल्यू 2 ले लें तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें p2 लिखना होगा, क्योंकि x के जगह पर कितना लिया जा रहा है 2 लिया जा रहा है। तो इसी तरीका से हर जगह x के जगह पर हम 2 ले लेंगे और इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पूरे पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 लिया गया, x का वैल्यू 2 रखा गया, तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 9 आ गया। हम लोग चाहें तो इसको एक ग्राफ से भी या टेबल से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये टेबल हमारा है और इसमें हम कई सारा वैल्यू बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे पी एक्स है। यहाँ पे हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पी एक्स का वैल्यू आएगा। ध्यान ये रखना है कि पी एक्स का इक्वेशन आ जाएगा 2x+5। अब पहला केस, अगर हम लोग x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो x के जगह पर जब 0 आएगा तो 0 और 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 5 जुड़ने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल 5 आएगा। लेकिन अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो उस केस में कितना हो जाएगा, जी हाँ 7 हो जाएगा। और अगर हम x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 4 एंड 5 9। इस तरीका से हम लोग x का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और हमें उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकलते चला जाएगा। हम लोग चाहें तो इसे हम लोग एक ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x एक्सिस पर x का वैल्यू ले लेंगे और y एक्सिस पर हम लोग px का वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू जब 0 है तो उस केस में px का वैल्यू क्या है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 5। जब x का वैल्यू 7 है सॉरी 1 है तो उस केस में इसका वैल्यू 7 है, यानी कि ये क्या जाएगा 1 7 आ जाएगा। और जब हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं यहाँ पे तो उस केस में इसका वैल्यू 9 आता है, तो ये हो जाएगा 2 एंड 9। तो ये तीन पॉइंट, तो ये तीनों से मिलाने पर एक ग्राफ बनेगा और यह जो ग्राफ है वो कहलाएगा px इज इक्वल टू 2x+5। और यह ग्राफ हर एक पॉइंट पर पॉलिनोमियल का कितना वैल्यू आएगा वो दिखाएगा। जैसे अगर हमें x के इस पॉइंट पर जानना है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा तो इसके सीधा में जाओ, ग्राफ पर ये वाला पॉइंट आया और इसके बाद y एक्सिस में इसके करस्पोंडेंट देख लो कितना वैल्यू है। पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है।